फैसला। जोधपुर से ही होगा मुख्यमंत्री। क्या है राजस्थान के सीएम का जोधपुर कनेक्शन? कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? जब जब ये सवाल उठ रहा है तब तब बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। लेकिन सिर्फ बालकनाथ ही नहीं, उनके साथ साथ वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्वनी वैष्णव और दिया कुमारी भी इसी रेस में दौड़ लगा रही हैं। अब से चंद घंटों बाद राजस्थान के सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बार बार मुख्यमंत्री के जोधपुर कनेक्शन की कौन सी बात सोशल मीडिया पर उठ रही है। जी हाँ, अगर आप ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया है, उस पर जाएंगे तो आपको बालकनाथ, राजस्थान का सीएम, सीएम ऑफ राजस्थान समेत कई सारे हैशटैग्स ट्रेंडिंग में दिखाई देंगे। लेकिन इन्हीं के साथ जोधपुर से भी इसका कनेक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। जोधपुर से सीएम का कनेक्शन, इसका क्या मतलब है, ये अब हम आपको समझाते हैं। शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा जिक्र पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ था। अशोक गहलोत 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। शेखावत इस वक्त केंद्र में जनशक्ति मंत्रालय संभाल रही हैं। शेखावत राजस्थान के सीएम के प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जोधपुर में पैदा हुए। 18 जुलाई 1970 को उनका जन्म हुआ था। अश्वनी वैष्णव भी राजस्थान के सीएम पद की रेस में आगे चल रही हैं। यानी पिछला मुख्यमंत्री भी जोधपुर का और इस बार भी उम्मीद ऐसी ही है कि जो भी सीएम बनेगा उसका जोधपुर कनेक्शन जरूर होगा। और शायद इसीलिए सीएम का जोधपुर कनेक्शन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि आपको बता दें, ये अब तक तय नहीं हुआ है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, लेकिन अब से चंद घंटों बाद ऐलान होने की संभावनाएं हैं। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन तीन बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है।